हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत से गीत का नोटेशन बता रहा हूँ। गीत के बोल हैं, जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जाओगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा गीत है और इसे आप हारमोनियम पे अगर सेलेक्ट कर लेते हैं, बजा लेते हैं, तो आप बहुत अच्छा बजाएंगे और बहुत अच्छा गाएंगे भी, ठीक है। क्योंकि मैंने इसका स्केल F रखा है और F से आप गाएंगे तो बहुत अच्छा गा लेंगे आप इसको, ठीक है। तो इसका नोटेशन मैं बहुत ही स्लो स्पीड में बताऊंगा ताकि आप उसको समझकर अच्छे से बजा लें, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। इसमें मैं गाने का स्थाई बताऊंगा और गाने का एक अंतरा बताऊंगा, ठीक है। ये हमारा पार्ट वन होगा और अगले पार्ट में मैं इसका सेकेंड अंतरा बताऊंगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको पार्ट बाय पार्ट मिलता रहेगा और आप अच्छे से उसको बजा लेंगे, ठीक है। और मैं हर वीडियो में बोलता हूं और इसमें भी बता रहा हूं आपको, अगर आप विधिवत सीखना चाहते हैं, अच्छे कलाकार बनना चाहते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, तो आप क्लास ज्वाइन करें और विधिवत सीखें। क्योंकि हम जब अच्छा कुछ करते हैं तो उसमें फिर हमको शुरू से जड़ से लेकर के चलना पड़ता है और हर एक चीज को समझना पड़ता है ताकि हम उसको आगे चलकर अच्छे से निभा सके। अपनी इच्छा से प्रैक्टिस करने में होता यह है कि आप प्रैक्टिस तो करते रहते हैं पर आपके मन में एक हमेशा डाउट बना रहता है, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए। और आप अक्सर जब कहीं अच्छी महफिल में बजाने जाते हैं तो वो गलत ही हो जाता है, और वो इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने गाना तो बजा लिया पर गाने के पीछे जो उसका रहस्य है वो हम समझ में नहीं आता। वो किस राग में है, उसका स्केल क्या है, उसमें हम अपनी मर्जी से भी कोई म्यूजिक बना सकते हैं। तो ये सब चीजें जब ही होती हैं जब आप प्रॉपरली सीखते हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों पे भी ध्यान रखें। अगर आपके आसपास कोई गुरु है तो आप वहाँ सीखें। मेरी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, मैं ऑनलाइन सिखाता हूँ और बहुत अच्छे से सिखाता हूँ। आप चाहें तो ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। जिस तरह आप किसी गुरु के पास जाकर सीखते हैं बिल्कुल सेम टू सेम मैं उसी प्रकार सिखाता हूँ, और मेरी क्लासेस ऑलरेडी पूरे महीने चलती रहती हैं। मेरी क्लासेस में कोई एक क्लास या दो क्लास, चार क्लास का सिस्टम नहीं होता, कंटिन्यू पूरे महीने आपको प्रैक्टिस करना होता है। और जब आप कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू चलते हैं, तो आप अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं। जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे, बहुत ही प्यारा गाना है और बहुत ही प्यारा स्केल भी है, आप बहुत ही आराम से बजा लेंगे। आइए देखते हैं इसका सरगम क्या होगा। सबसे पहले जब हम गाना शुरू करते हैं तो एक आलाप आता है शुरू में, वो किस प्रकार होता है। ठीक है, तो इसका सरगम क्या होगा। हो मैं आपको पूरा बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक एक स्वर बताने में कई बार क्या होता ना, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। नी धा नी धा पा धा पा मा गा पा मा, आप चाहें तो साथ में लिख भी लें। नी धा नी धा
पा धा पा मा पा मा गा पा मा। और उसके बाद हो माधा माधा हो माधा माधा पा धा पा मा पा मा गा मा गा रे गा ग ग ग म ग ग ग म ग ग ग म ग ग ग म ग ग ग म ग ग ग म ग ग। ये हमारा आठ बार आएगा, ठीक है। ग ग ग म ग ग ग म ग ग ग म ग ग ग म ग ग ग म ग ग ग म ग ग ग म ग ग। आठवीं मात्रा पे ग ग। और फिर शुरू हो जाएगा, जब हम जवान होंगे। इसका सरगम क्या होगा? जब हम रे गा। और इसका जो नोटेशन मैं बता रहा हूं वो इस सा के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। तो आप ये चीज भी ध्यान रखें, जब हम रे गा जवां होंगे, रे पा मा मा गा गा, रे पा मा मा गा गा, जाने रे रे गा कहां होंगे, रे पा मा मा गा गा, लेकिन गा मा धा जहां धानी धा, लेकिन जहां गमा धा धानी धा होंगे पामा पा वहां पापा फरी फरी पापा याद फरी याद पापा रे पामा फरी याद करे मामा गे माधा माधा गे माधा माधा मागा तुझे गारे याद रे गा गा मा करेंगे गा गा। ठीक है, ये पूरा हमारा स्थाई हो गया। जब हम जवान होंगे जाने कहां होंगे, लेकिन जाओगे वहां फरियाद करेंगे तुझे याद करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में एक छोटा सा म्यूजिक आता है। इसका सरगम क्या होगा? धागा धागा गमगा धागा गमगा धागा गमगा। ये चार बार बजेगा, धागा गमगा मगा 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 और मगा 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 मगा। ये चार बार मगा 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 मगा। और फिर हमारा अंतर शुरू हो जाएगा, ऐसे मैं बिल्कुल प्लेन बता रहा हूं आपको। आप ये भी चीज याद रखें कि अभी क्या है, मैं वाइब्रेशन नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि अभी वाइब्रेशन हम नहीं डालेंगे, और वाइब्रेशन डालेंगे तो फिर आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए अभी हमको प्लेन बजाना है। अंतरा, ऐसे हंसती थी वो, ऐसे हंसती गामा पाधानी थी वो, नी पानी थी वो नी पानी। इसे देखे, ऐसे हंसती थी वो, ऐसे
अब पूरा सरगम देखें। गाम पा धनी नी पा धनी पा चलती थी धापा मा गा गा। और फिर वही म्यूजिक आएगा दो बार, धागा गा मगा धागा गा मगा। ऐसे हंसती थी वो ऐसे, गामा पा धनी नी पा धनी पा चलती थी धापा मा गा गा। चांद के जैसे छुपती और वही सरगम, गामा पा धनी नी पा धनी पा चांद के जैसे छुपती और निकलती थी पा धापा मगा। और ये लाइन दो बार आएगी, दूसरी बार किस प्रकार होगा? चांद के जैसे छुपती और गामा पा धनी नी पा धनी पा निकल निकल पा धपा निकल तिथि निकल तिथि पा धपा गमा धा। ठीक है। ऐसे हंसती थी वो ऐसे चलती थी चांद चांद के जैसे छुपती और निकलती थी। और उसके बाद हमारा अगला लाइन होगा तुझे सबसे सबसे गमधा सबसे तेरी बातें गमधा धनी धा पामा पा तेरे पापा बात रे पामा करे मामा गे मध मध मग गे मध मध मग तुझे गारे याद रे ग ग म करेंगे ग ग ग तुझे याद करेंगे गारे रे ग ग म ग ग ग। ठीक है, ये एक स्थाई और एक अंतरा मैं आपको इस वीडियो में बताया हूँ, आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसके बाद सेकेंड अंतरा में मिलेंगे आपको। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।